रात के भाई 11:20 निकल रहे हैं जैसलमेर के लिए। तो आज भाई क्या हुआ, दिन में काम कर रहा था फैक्ट्री में बैठ के, तो धर्मेंद्र बना का फ़ोन आया, बोले जैसलमेर चलो। तो एक बार तो उनको मना कर दिया मैंने, कहा भाई काम है और फिर स्पीति भी जाना है 26 तारीख को, लेकिन उन्होंने बोला कि चलते हैं। अपना भी मूड था, जाना ही था, आप लोगों के लिए एक व्लॉग भी बनाना था, तो इसलिए अपन ने हाँ भर दी। तो अभी निकल रहे हैं, वैसे तो सुबह निकलने का था प्लान, लेकिन अभी इसलिए निकल रहे हैं कि कल लास्ट डे है उसका फेस्ट का, जो अपने जैसलमेर में फेस्ट होता है उसका कल लास्ट डे है। तो अभी निकल रहे हैं तो टाइम से पहुंच जाएंगे, ताकि कल फेस्ट भी अटेंड कर ले, वो मिस ना हो, इसलिए अभी निकल रहे हैं। और धर्मेंद्र बना को लेंगे, डॉक्टर साहब भी वहीं आ जाएंगे, फिर रास्ते से अर्जुन बना को लेंगे और जयेश को लेंगे और निकल रहे हैं डायरेक्ट जैसलमेर। तो भाई हमने तो अपना सामान कर लिया सेट और अब यहाँ से निकलने की तैयारी, और एकदम फ्रेश लग रहे हैं डॉक्टर साहब, हैं 100% फ्रेश 100%। और ये हमारा तीसरा टूर होने वाला है, बहुत बैक टू बैक बैक टू बैक, पहला सांबर, दूसरा अपन गए थे अभी, घर वाले परेशान हो गए अच्छा परेशान हो गए, चलो कोई नहीं चलते हैं। ये भाई डीजल भराना शुरू कर दिया, क्या भाव हो गया यहाँ पे, 90 रुपये 70 पैसे भाई। पहली ट्रिप में तो आ गया है 66.37 लीटर, 6,000 रुपये का तेल आ गया है। ये तो अपन टंकी फुल करा के निकल रहे हैं जयपुर से, अब रास्ते में भरानी पड़ेगी वापसी में दोबारा से। हमारी एक और सवारी आ गई है भाई, चलो चलो आप जयेश को और लेना है बस। फिर रुको 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 रुको, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लो चलो बैठो बैठो जल्दी। डॉक्टर साहब आप दिखाई नहीं दे रहे, दिख गए। तो 9 किलोमीटर की ड्राइव के बाद भाई पहला ब्रेक लिया है रात के 2:30 बजे 2:30 बजे 12 बजे निकल गए थे लास्ट, है ना। और पियेंगे चाय, पियेंगे कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे भाई, फिर निकलेंगे आगे। सवेरे के 6 बज गए भाई, सेकंड ब्रेक लिया अपन ने, अब अपना कितना रह गया, 2 घंटे 2.5 घंटे का रन रह गया है ना, 2-2.5 घंटे का रन रह गया भाई। एक चाय पियेंगे फिर खींच देंगे मीटर को वापस, नेक्स्ट स्टॉप सीधा जैसलमेर। ये भाई हमारे सामने चांद है, चांद डूबता हुआ चांद, और सूरज उगने का टाइम हो रहा है, एक क्या खूबसूरत नज़ारा। ये भाई उगता हुआ सूरज, आज ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए देख रहे हैं, नहीं तो घर पे बिस्तर पे ही पड़े रहते हैं इस टाइम तो। वेलकम टू जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, और आज आखिरी दिन है इसीलिए रात को ही निकल गए थे, नहीं तो मिस कर देते आज हम इसको। भाई पहुंच गए हैं जैसलमेर होटल में, नहाएंगे धोएंगे और निकलेंगे फिर आगे, फोर्ट जाएंगे जैसलमेर सिटी घूम के, फिर सम की तरफ निकलेंगे। आज फेस्टिवल के जो भी बचे हुई चीज़ें हैं वो कोशिश करेंगे कवर करने की। चलो अभी तो जाके ब्रश व्रश करते हैं, नहाते हैं धोते हैं, फिर देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। भाई 10 बज गए, नहा धो के हो लिए तैयार, और ये हमारे टाइगर तो सोते हुए आए हैं, है ना, और ये जयेश भाई तो सोता हुआ तो आया ही, और साथ में यहाँ और छोरियों की तरह तैयार हो रहा है, फटाफट हो ले भाई लेट हो रहे हैं।
चलो अब नाश्ता करेंगे, फिर कहाँ चलेंगे अपन? फिर हम चलेंगे जैसलमेर फोर्ट। फोर्ट चलो, गाड़ी से लेक देखेंगे और यहाँ का लोकल मार्केट देखेंगे, उसके बाद चलेंगे सम। सम निकल जाएंगे और सम में आज फेस्टिवल की एंडिंग है तो वो हम सबको देखेंगे। चलो, ये है भाई जैसलमेर फोर्ट की वॉल, बाउंड्री वॉल, और ये एकमात्र ऐसा किला है जिसमें प्रजा तो रहती है फोर्ट के अंदर और राजा रहता है बाहर। ये दाल पकवान एक नंबर शानदार बनते हैं दाल पकवान। अच्छा, इसमें दाल ये है, ये पकवान है, कुछ भी समझ लो, कुछ भी समझ लो, आप देख लो किसको क्या कहना। ओवरऑल ये दाल लगाना भी और लगाना। सो गाइस, यहाँ पे ये गढ़ के पास में देखेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे समोसे, कचौरी, ब्रेड पकौड़े इसका वेट कर रहे हैं और यहाँ बिल्कुल फ्रेश बन रहे हैं, बिल्कुल गढ़ के नीचे हैं और हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि आप भीड़ को देख के लग सकता है पता आपको, बहुत सारे लोग हैं फॉरन ड्राइवर कॉर्नर से यहाँ पे वेट कर रहे हैं सिर्फ अपने टाइम का। भाई पार्किंग तो लगा दी है अपन ने, ऐसे ही जहाँ जगह मिली वहीं घुसेड़ दी। हम जा रहे हैं फोर्ट के अंदर, फोर्ट के अंदर तो इन्होंने ले जाने नहीं दी। अखे पोल ट्रोल, अच्छा गेट को यहाँ बोलते हैं ट्रोल, और ये है फोर्ट की एंट्रेंस। आप कोई दिक्कत नहीं, आप लगा दी हमने क्या यहाँ लगाई। हाँ हाँ, इतनी सी दूर में बहुत अच्छा है, इतनी सी दूर में जैसे बहुत ज्यादा कोई खास फर्क नहीं आएगा। नहीं, बट हाँ, 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 बाकी हाँ, तो क्या ही मतलब है। ये है भाई पूरा किला घुमाएंगे भाई, है नहीं जी गाइड नहीं चाहिए हमें ना, ना घूमना ही नहीं है। ये भाई भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ तो लिखा हुआ है सूरज पोल और ऊपर लिखा हुआ है सूरज प्रोल, इसको रेक्टिफाई करना चाहिए। एक्चुअल में तो पोल बोलते हैं दरवाजे को, मेन किले के दरवाजे को। चढ़ाई आ गई भाई, ये सेकंड दरवाजा भाई गणेश पोल, और ये लकड़ी के किवाड़ देखो भाई, ऊपर तो दीमक भी आ गई, गल गए हैं ऊपर से तो बिल्कुल, नीचे ही थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन अपने समय में तो भाई किले की सुरक्षा के लिए बहुत ही मजबूत प्रबंध कर रखा था। ये भाई सामने जो है यहाँ राजा का दरबार लगता था, अब लोगों के फ़ोटो खिंचाने के काम आ रही है जगह। ऊपर गद्दी पे राजा बैठता था, नीचे प्रजा बैठती थी, जिनकी जो प्रॉब्लम होती थी राजा सॉर्ट आउट करता था यहाँ बैठ के। और अब तो भाई ना राज रहे ना रजवाड़े रहे। ये स्टोन पे कार्विंग है भाई, दूर से देख के ऐसा लग रहा है जैसे लकड़ी पे कार्विंग है, और इतनी बेहतरीन कारीगरी है कि आप देखोगे ना ये पूरा ऊपर तक, और हाथ से की हुई कारीगरी है पूरी, बहुत ही शानदार, बहुत बारीक काम किया हुआ है, अल्टीमेट। ये भाई किले के ऊपर से जैसलमेर का व्यू, अरे पूरे जैसलमेर में एक ही जैसा स्टोन लगाना कंपलसरी है ताकि लुक एक जैसा ही रहे, अलग से रंग बिरंगा ना हो जाए। भाई ऊपर एक तोप लग रही है और लोगों का बस नहीं चल रहा, नहीं तो भाई उसको उखाड़ के घर ही ले जाएं, उसकी लेनी कर रखी है। ये भाई फोर्ट के अंदर जैन मंदिर, और अपने साथ जयेश भाई हैं, वो पूरी श्रद्धा से दर्शन कर कर आए हैं। पूजा वूजा हो गई जयेश भाई? हाँ। बढ़िया तरीके से, अंदर से कैसा रहा है? अंदर से बहुत बढ़िया है, पुराना बना हुआ है, काफी टाइम पुराना। और एक चीज और नोटिस करी, इसमें पत्थर पे पत्थर के बीच में कोई सीमेंट नहीं है, सिर्फ इंटरलॉकिंग सिस्टम से पूरा मंदिर बना रखा है, पूरा पत्थर का, बहुत ही बढ़िया। ये है जी पूरा, खूब सारी लगी हुई है। सबको
मतलब हर एक उसको ज्वाइंट करके एक ग्रिड बना दी होगी यहाँ पे। वहाँ जाके आया होगा, नहीं नहीं तो तनोट या उधर बॉर्डर की तरफ गया होगा। वैसे एक बार बताऊं मैं आपको, क्या भाई साहब, हाँ बॉर्डर तनोट जा सकते हैं? अरे क्या पागल आगल हो गया, अभी तनोट जाएंगे तो फिर शाम को वहाँ का सब खत्म हो जाएगा। समय 200 किलोमीटर है आना जाना। हाँ और पचास ये देखो राइट, राइट साइड में छतरी है छतरियों के बारे में। ये छतरियाँ हमारे जो आप सामने देख रहे हैं ये यहाँ की जो फैमिली है उन सब की छतरियाँ हैं। अच्छा। जब उनका जब भी अंतिम संस्कार किया जाता है तो ये अच्छा मतलब जितने रॉयल फैमिली के जितने भी रॉयल फैमिली का शमशान है ये। ओके बट सिर्फ रॉयल फैमिली का ही है। ओके और वो बहुत पूर्वजों के टाइम से चला। अच्छा मतलब उनका क्रेमिनेशन वगैरह यहीं करते हैं और उनकी याद में एक एक छतरी बना देते हैं। बिल्कुल अभी रिसेंटली बृजराज सिंह जी जो महाराजा भी है उनका देहांत हुआ है। हाँ उनका भी यहीं बनाए गए। ओके वो देखो बनी रही अभी। चलो अब नजदीक से देखते हैं एक बार। हाँ वो सब ये जो छतरियाँ जो बनाई जाती थी ना। हाँ। उनका मेन रीजन यही होता था कि उनकी याद में बनती थी। हाँ, हाँ, और हाँ। उससे भी बड़ा मेन रीजन ये होता था कि कहीं ऐसी जगह बनाई जाती थी कि वो राहगीर जो जाए ना। हाँ। वहाँ बैठ के। हाँ। अच्छा तो विश्राम कर सके, विश्राम कर सके, उसको छाया मिल जाए। हाँ। ओके और फिर उसके मेन रीजन ये होता था कि बहुत लंबे रूट पे चलते थे लोग। हाँ। तो उस टाइम भाई वहाँ बिना एक बात होता है उस फाटक से ऐसे आ जाएंगे क्या बिना टिकट के? यहाँ से चेक करे थोड़ा अब पता नहीं कहाँ रख दिया यार हमने तो। गाड़ी में पड़ी है, गाड़ी में पड़ी हुई आके दिखा देंगे। हाँ तो उसका मेन रीजन यही है कि वो जो राहगीर आए बैठे वो इनको याद करे। हाँ। कि उन्होंने उनकी छतरी थी मिल गई। हाँ। तो मेरे को छाया मिल गई। हाँ। और रेस्ट कर पाया तो उसको याद। ये पर्पस था बेसिक, पर्पस यही था कि हमेशा याद रहे इंसान। पता जाता है जो वॉरियर्स लड़ते रहते थे। हाँ। उनका सर कट जाता था फिर भी धड़ लड़ती थी। अच्छा उनको झुंझार जी बोलते थे। अच्छा तो उनके वो भी पूर्वज होते थे, वो भी एक्सपायर होते थे। हाँ हाँ। तो उनकी भी ये ऐसे जैसे फोटो बना लगा के जो पूजा होती है ना। अच्छा ये उनकी भी। ओके वो देवता हो जाते हैं। अच्छा। They will not be a normal person or वो। ओके जैसे ये है। हाँ हाँ। अब ये भूमिया जी है, वो भूमिया जी क्या। हाँ। झुंझार जी है। ओके तो ये उस पर लड़ते हुए अच्छा तो उनकी वो फोटो लगा देते। हाँ। हैं अब जैसे ये नॉर्मल थे मतलब। हाँ, ये हाँ, जैसे नॉर्मल एक्सपायर हुए थे। हाँ, पीछे देख रहे हो वो घोड़े पे है तो वो वॉरियर थे। वो वॉरियर थे और वॉर फील्ड के अंदर ही एक्सपायर हुए थे। ओके, वॉर करते करते। ओके और ये नॉर्मल जो वही समझ गए ये है डिफरेंस। जैसे तो ये नॉर्मल रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये उसकी पहचान है। सब रॉयल फैमिली से। हाँ है सब रॉयल फैमिली से बट ये नॉर्मल वो है। हाँ मतलब डेथ का रीज़न कि ये वैसे एक्सपायर हुए हैं और जो घोड़े पे हैं वो मतलब वॉरियर्स से लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। जैसे ये हाँ मतलब अब धीरे धीरे वो चीज़ें कम तो होती जाएंगी टाइम के हिसाब से। बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो कॉलेप्स हो चुके हैं, बहुत सारे हैं जो फॉलो हो रहे हैं। वो है सही बात है। जितना घूमे उसमें तो भाई ये वाली जो जगह है ना पर्टिकुलर ये सबसे बढ़िया लगी मुझे तो। एकांत में शांत जगह पे और ये सामने पूरा प्रोजेक्ट लगे हुए हैं खूब दबा के। ग्रीनरी ग्रीनरी है ये नीचे। ये सामने के लिए धर्मेंद्र बन्ना बता रहे हैं कि इधर से जो पानी है ना वो जब इकट्ठा होता है और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ना वहाँ से फिल्टर होके और दूसरी साइड जाता है उस तरफ। तो एक तरह से ये पुराने टाइम के हिसाब से फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया था बना। उधर क्या बता रहे थे आप उस तरफ क्या है जो पानी फिल्टर होके जाता है वो क्या बोलते हैं उस जगह को? बड़ा गांव। बड़ा गांव गांव का नाम है। बड़ा गांव। अच्छा गांव का नाम है बड़ा गांव। अच्छा ओके। और इस तरफ ग्रीनरी है काफ़ी, उस तरफ भी काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी ग्रीनरी है उधर भी। ये एक को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक राजा और उनके साथ तीन रानियां सती हुई थी और ये जो लिखा हुआ है बना पढ़ के बताना क्या थोड़ा मेरे को जो समझ आ रहा है वो ये है। हाँ
के रावल श्री सबल सांद जी सती तीनस तदे देवलोक गमन। हाँ और ये आगे का नहीं समझ आ रहा। हाँ बट जितना समझ आ रहा उससे यही समझ में आ रहा है कि इस राजा के साथ तीन रानी मतलब राजा के एक्सपायर होने के बाद तीन रानियों ने सती हुई थी ऐसा कुछ है। अरे यार ये बाज है चील है सर बाज है इसने कुछ मार रखा है उसको खा रहा है। हमने नासिर भाई के पंप के ऊपर गाड़ी लगा दी है साइड में और आज का सारा जितना भी अरेंजमेंट है वो बन्ना की तरफ से धर्मेंद्र बन्ना की तरफ से उनके दोस्त नासिर भाई ने हमारे लिए अरेंज किया है और देखते हैं अब आगे क्या प्रोग्राम रहता है। सामने ड्यून्स की तरफ अभी चल रहा है थोड़ा थोड़ा लोकल जो हैं लड़के यहाँ के वो बाइक्स वगैरह पर थोड़ा स्टंट कर रहे हैं और पीछे की तरफ आर्मी ने रात का जो पूरा प्रोग्राम है उसके लिए सेटअप लगा दिया है डीजे वगैरह स्पीकर्स लगा दिया तो रात वाला जो प्रोग्राम है वो आर्मी की तरफ से रहता है आर्मी ही उसको ऑर्गेनाइज़ करती है। और आप देखो कितने सारे दर्शक कितने बड़ी मात्रा में यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रखे हैं इस फेस्टिवल के उसमें भीड़ हो रखी है ज़बरदस्त शानदार। ये है नासिर भाई का रिजॉर्ट द गोल्डन सैंड्स रिजॉर्ट और उससे अगला भी उन्हीं का है। तो अभी हम तो प्लान ये कर रहे हैं कि रात को जब ये सब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग सामने ड्यून्स में वहाँ पर अपने टेंट्स लगाएंगे उसका एक अलग ही मज़ा रहेगा अलग रोमांच रहेगा। नॉर्मल रिजॉर्ट में रुकना जहाँ पे ऑलरेडी सारी फैसिलिटीज़ हैं उसकी बजाय अगर सामने ड्यून्स में लगाने का मौका लगा तो वो एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस रहेगा।